अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों और इमरान खान साहब को कैसे और क्यों धोखा दिया और केपी की असेंबली से बरामद हुए, उन्होंने तकरीर की। और इससे कबल भी मैंने आपको यस्टरडे बता दिया था कि अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों के साथ ज्यादती की। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सबसे सयाने लोग कौन हैं, आज के इन दो मुजवाब के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कहा, जो भी तकरीर की, उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इसके ऊपर मुख्तसर और जामिया मेरे अल्फाज और तजिया ये है और सोच ये है, झूठ बोला प्लस झूठ बोला इक्वल टू झूठ बोला। जो तकरीर उन्होंने असेंबली में की और गले के अंदर मफलर डाल के रखा था, जो उनका लबो लहजा था, जो उनके अल्फाज थे, जो आईजी इस्लामाबाद के ऊपर वो बरसे और कहा मैं केपी के हाउस में ही था और उनको नहीं मिला, सबसे बड़े झूठ थे ये आज के। मुझे उन लोगों की बातें आज सच साबित हुई दिखाई दे रही हैं जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क्यादत इमरान खान के साथ मुखलस नहीं है। मैं यहाँ एक नुक्ता और बयान कर देना चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुखलस हैं, लेकिन वो किसी और से भी मुखलस हैं। तनासब थोड़ा और ज्यादा जरूर है और इसकी मिसाल ऐसे है कि उनकी एक लैला इमरान खान भी हैं और दूसरी जानब भी उनकी कोई हीर बस्ती है। इसकी मिसाल एक और देते हैं कि दो कश्तियों में ये सवार हैं, इसी वजह से ये कश्ती डूब जाएगी और ये किसी को नज़र भी नहीं आएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो वहाँ से निकले और लाव लश्कर को लेके आए, एहतजाज करना था, सारी चीज़ें थी। लेकिन ये भी सच है जो गुज़श्ता रोज़ हमने एपिसोड किया था कि अली अमीन गंडापुर चुंगी सादा लफ्ज़ों में और टूल प्लाजा 26 से 8 गाड़ियां फौज ने इनकी निकलवाई, इनको महफूज रास्ता दिया गया, बाकी क्राउड वहीं पे रहा, लोगों ने कहा मत जाइए, ये उसके बाद निकले और वहां से निकले मरगला की तरफ से होते हुए डी चौक पहुंचे। डी चौक पहुंच के 1.5 मिनट की नया पाकिस्तान को वीडियो रिकॉर्ड करवाई, वहां से केपी हाउस गए और केपी हाउस के बाद किसी सेफ हाउस में चले गए, महफूज जगह के ऊपर पहुंच के वहीं पे रहे। उसके बाद लोगों की आंखों में धूल झांकने के लिए, मिर्चें डालने के लिए वहां पे रेंजर्स गए और उन्होंने कोई फायर भी किए, कोई बुलेट्स चलाई, तोड़ फोड़ की, दरवाज़ा तोड़ दिया, इससे तासर दिया, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर रहे थे। फिर जिन्होंने इनको मैनेज किया वही खबरें चलवा रहे हैं टेलीविजन के ऊपर कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भाग रहे हैं, मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं, आपको वो बदनाम भी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ बोल भी नहीं रहे। और पिछली बार जब गिरफ्तार हुए थे तो उसी वक्त ये कह देते कि मुझे किसने अरेस्ट किया था, मैं कहाँ पे था, क्या हुआ था, तो फिर तो बात समझ में आनी थी। इस बार जो अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की है वो सब झूठ है, इन्हें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने पकड़ा था, ये अपनी मर्जी से वहाँ पे गए थे और उस वक्त इनकी मर्जी शामिल थी। हमने कल भी आपको बताया था, मैं बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ कि हमारी कौम की मेमोरी जो है यादाश्त वो बड़ी कमज़ोर है। अली अमीन गंडापुर सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से चुंगी नंबर 26 से निकल ही नहीं सकते थे अगर किसी की मदद शामिल हाल ना होती, कोई डील ना होती। अगर डी चौक पहुंचना था भाईजान तो अपने काफले के साथ डी चौक पहुँचते ना। जब आप वहाँ से निकले, कारकुनों ने आपको मना किया, आप नहीं रुके, आप 8-10 गाड़ियों के हमरा निकल गए। जब वहां से निकल गए तो पहली लाइन में फौज थी, दूसरी में रेंजर्स थे, तीसरी में मलेशिया फोर्स उसको कहते हैं, चौथी में पुलिस थी, 4 लाइनें थी और पहली लाइन में ब्रिज के ऊपर फौज खड़ी थी। उसी फौज ने जब आपको महफूज रास्ता दिया, आप निकले और उसके बाद उस फौज ने क्या कहा आपके क्राउड से, पता है आपको, अली अमीन गंडापुर चला गया, वो केपी के चला गया, एहतजाज खत्म हो गया, लिहाजा आप लोग भी चले जाएं, हम भी जा रहे हैं। हमसे मुराद यहाँ पाक फौज है। तो वाकई फौज वहां से निकल गई, कुछ लोग जो थे वो 80% मैंने आपको कहा था वो वापस चले गए, वो मायूस हो गए। अली अमीन गंडापुर जहां पे थे बेशुमार लोग आपको बता चुके हैं वो किसके पास थे, किसकी कस्टडी में थे। आज जब असेंबली इजलास हुआ तो वहां पे आप टपक गए और जो आपने सारी चीजें बयान की हैं, मैं तो चलें सहाफी ठहरा, मेरा कोई 16-17 साल का तजर्बा हो गया, आम रेडी वाला भी आपकी तकरीर सुनेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि आप झूठ बोलते हैं। दो कश्तियों में सवार मत हूं, अब तो वक्त जो गुजरना था गुजर गया। दुनिया के अंदर कोई अकेली जमात और खासकर इस तरह के मुनाफिक लोग उसके साथ हों वो इनकलाब नहीं ला सकती। दूसरी बात, ये मुनाफिक और गद्दार ना भी हों तो फिर भी इनकलाब नहीं आ सकता। दुनिया पूरी के अंदर बांग्लादेश की ताज़ा मिसाल है, इनकलाब इसलिए आया,
एक जमात होती है, उस जमात का लीडर होता है, लीडर के पास विजन होता है, उस विजन को सामने रखते हुए जमात के लोग खड़े होते हैं, उनके साथ यूथ खड़ी होती है, पढ़े लिखे वकील खड़े होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग खड़े होते हैं। हजूम से वो कौम बनती है, जब पूरी कौम किसी कास के अंदर शामिल होती है फिर इनकलाब आता है। हमारे यहाँ क्या है, तुम्हें छुट्टी मिले तो बारबेक्यू की पार्टियां करो, वो पीटीआई है ना, जेल में है बंदा, जंग लड़ रहा है, हमें क्या लगे। तो मियां नवाज शरीफ ने भी किसी दौर में ठीक कहा था, आवाम कहती थी मियां साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। मियां साहब लाहौर एयरपोर्ट आ रहे थे, उनका सगा भाई एयरपोर्ट के ऊपर अपनी हुकूमत होते हुए नहीं पहुंच सके थे, पंजाब की हुकूमत। तो इस मुल्क के अंदर तमाम लोग चाहते हैं कि बंदूक से गोली जरूर चले लेकिन वो बंदूक किसी और के कंधे के ऊपर रख के चलाई जाए। अली अमीन गंडापुर धमकियां दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, चूंकि ये वो चाल है इस्टेब्लिशमेंट की, जब हमारी सोच खत्म होती है तो वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट की चाल शुरू होती है। वापस आता हूँ अली अमीन गंडापुर के ऊपर, मुझे आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या अली अमीन गंडापुर ने जो दास्तान गम बयान की आज असेंबली के अंदर, वो केपी की असेंबली से बरामद हुए, क्या ये दुरुस्त है। फिर देखिए कि तमाम पीटीआई की क्यादत, शबाज गिल जितने लोग थे, वो सब कहते रहे कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं वहीं पे था, इन्होंने रेड किया, आईजी इतना नालायक है मुझे तलाश नहीं कर सका। मैं आज यहां ये भी पूछता हूं, शेर अफजल मरवत कहां पे है, मान लेता हूं बीमार है, मान लेता हूं अस्पताल में है, ये गंदे अंडे क्या ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी नहीं कर सकते, क्या कोई वीडियो बयान भी जारी नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो हमारे इंटरव्यू देते हुए बागे में सारी कहानियां बयान करूं, इन लोगों की आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये बिहाइंड द सीन कैसे नंगी और गंदी गालियां देते हैं इमरान खान और बुशरा बेगम को, बात कहीं और निकल जाएगी। अली अमीन गंडापुर की बातें सारी झूठ थी, ये सच नहीं है, उन्होंने कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी जिक्र किया है, वो भी आग लगाने की कोशिश किया उन्होंने। तो अली अमीन गंडापुर बताओ आपको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने पकड़ा था, कहाँ पे रखा उन्होंने? आपने कहा मुझे आईजी ने गाली दी और मैं उसका बदला लूंगा, आपसे माफी मांगेगा, यकीन जानिए वो आपसे माफी भी मांग लेगा। क्यों? इस्टेब्लिशमेंट की सोच वहां से शुरू होती है जहां आपकी और आम पब्लिक की सोच खत्म होती है। तो लिहाजा सच बताएं कौम को, एक कश्ती पे सवार हूं, दो कश्तियों पर सवार मत हूं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने हालात देखे, इन सारे हालात में सबसे सियाने लोग इस पाकिस्तान के अंदर कौन से हैं। नंबर एक, आम फौजी जो है पाक आर्मी के अंदर, वो सबसे सियाना है, उसे एक एक चीज का इल्म है, वो मजबूर है, वो लाचार है, वो रोजे क्यामत बताएगा कि मुझसे क्या काम लिए गए, मैं क्या करना चाहता था, मुझसे क्या करवाया गया। उसके बाद ये पुलिस वाले जो हैं ये बड़े सियाने लोग हैं, चूंकि ये वो दाइयां हैं जिनको एक एक चीज का पता है, चूंकि इन्हीं के जरिए सारा कुछ होता है, लेकिन इन बेचारों ने हल्फ लिया होता है, ये नौकरी के मारे, ये मजदूर हैं, ये नौकर हैं, ये मुलाजम हैं, ये सारी चीजें बता नहीं सकते, ये रिटायर्ड भी हो जाएंगे ना, तो इनकी पेंशन लगी हुई है, इनकी पेंशन रुक जाए अगर ये सारा सच बोले तो, ये तन्हाई में किसी दोस्त को मिलेंगे, कभी किसी और को मिलेंगे, तो वहां पर कुछ चीजें बयान करेंगे, भाई जान मुझसे ये करवाया गया था, ये हुआ था, फला चीज हुई थी। लेकिन सबसे सियाने लोग इन फोर्सेस के अंदर, वो आर्मी हो, वो रेंजर्स हो, वो एफआईए हो, वो आम पंजाब पुलिस हो, जो भी फोर्स हो, इसके अंदर बैठे हुए आम लोगों को इस बात का इल्म है, वो सियाने हैं कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है, कैसे चीजें होती हैं, लेकिन वो मजबूर हैं और ये चीजें बयान नहीं कर सकते। तो ये अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया, ये सवाए माजरत के साथ एक बकवास नामे के कुछ भी नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ उस शख्स ने बोला, जो कुछ उनके साथ हुआ, जैसे हुआ, जिस तरह से मैनेज किया गया, उन्होंने आपको ये चीज़ें बयान नहीं की। माजरत, हमारे अल्फाज थोड़े से सख्त हैं, जज्बात थोड़े हाई हैं, उसकी वजह किसी के साथ कोई लगाव नहीं है, चूँकि सच नहीं बयान करते, झूठ बोलते हैं, और हमारा काम है कि सच बताना, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।